अरे दो बार में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रो यार, रुक जाओ, बोल मत। अब कोई अनुराई आईडी पर रोल। हिमानी जी, केबीसी में पहुंचने का मौका आपको मिला, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना? फर्स्ट ऑफ ऑल, केबीसी में पहुंचने का जो मौका मिला, सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट तो वही थी। हॉट सीट और आगे क्या हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मुंबई तक जाने का जो सफर था, अपने आप में सबसे बड़ी ग्रेट अचीवमेंट। बिकॉज अमाउंट मायने नहीं करता है, हमने वहां जाकर क्या सीखा, क्या रिस्पेक्ट मिला, वो मायने। अनुजा यहां ऊपर कर लो। आप पूरी तरीके से देख नहीं पाती कि एक्सीडेंट में आपकी आंखें खराब हुई, फिर कैसे यहाँ तक इस सफर को तय किया, वो अपनी बात और बताइए। बेसिकली सर, एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ में एक जो नया टर्नओवर आया वो था लखनऊ जाकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में आया। वहाँ जाकर जो एटमोसफेयर था बहुत पॉजिटिव मिला, और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ कि यस, बहुत कुछ हो सकता है। अभी लाइफ में कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो लाइफ शुरू ही है लगता है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन तब से मैंने, पहले मैं बुक रीड करती थी, लेकिन उसके बाद से मैंने ऑडियो बुक्स की हेल्प से, टॉकिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी स्टडी करना शुरू किया, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब के वीडियोस पर ज्यादा सुनकर अपना स्टडी करती थी। केबीसी में पहुंचने के लिए कैसे, क्या क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? सर, केबीसी में पहुंचने का प्रयास मैंने अभी बताया था, कोई 2 साल, 1 साल, 6 महीने या फिर अभी जून में मुझे कॉल आया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने स्पेशली कोई तैयारी की हो 2 साल या 1 साल बैठ के। ये सफर बहुत पहले से, और बोला जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट बेस पर था। बिकॉज जब मैंने बताया ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि मैं 5 से 6 साल की थी, मुझे क्विज शो का बहुत ज़्यादा शौक था, और मैं अपने फ्रेंड्स के संग बैठ कर खुद क्विज, केबीसी का क्विज खेलती थी, और उसमें मैं अमिताभ सर बनती थी। देन 2009 में जब मैं 13 साल की थी, तभी से जब 2009 में मैं सिर्फ जब 13 साल की थी, तब से मैं ट्यूशन पढ़ाती थी अपनी दीदी के साथ बैठ के, तो जो जीके का फ्लो था ना वो कंटिन्यूसली बना रहा 2009 से। और जैसे जैसे एज बढ़ता गया और केबीसी का इंटरेस्ट था वो कंटिन्यू रहा, फिर मैं जब अप्लाई करती थी, जब से सुनील में पाया तो उसमें एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता था रजिस्ट्रेशन के बाद, तो लगा कि चीज़ें शायद ऑथेंटिक हैं और कुछ हो सकता है। और फाइनली इस साल आके मुझे कॉल। अब आप कितने जीत गई हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो कितने का है? देखिए सर, अभी मैंने आपने प्रोमो में जो देखा वो ठीक है, इस टाइम पर मैंने प्रोमो के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हम 60th क्वेश्चन पर थे जिसका अमाउंट है 7 करोड़। उस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या मैंने अटेम्प्ट किया, गेम क्विच हुआ, या मैं नीचे 3 बीच पर, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको मेरा शो 30 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन रात 9 बजे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से मिलकर आपको किस तरह का अनुभव?